प्रेरितों के काम अध्याय एक वचन तीन मैं पढ़ रही हूं, ध्यान देकर सुनो। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन बता रहा है उसने अर्थात प्रभु यीशु ने दुख उठाने के बाद अपने आप को उन्हें यानी चेलों को बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को जीवित दिखाया, यानी उसने अपने चेलों के सामने बहुत पक्के प्रमाण देकर बहुत पक्के सबूत देकर ये साबित किया कि वो अभी मरा हुआ नहीं है बल्कि वो सचमुच जिंदा हो गया है। हालेलुया, हालेलुया। और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा, 40 दिन तक वो अपने चेलों को दिखाई देते रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह 2000 साल पहले इंसान बनकर धरती पर आया था। वो परमेश्वर होकर भी मनुष्य बना, वो परमेश्वर होकर भी इंसान बना और स्वर्ग की महिमा को छोड़कर वो कंगाल बन गया, दरिद्री बन गया और वो इस धरती पर आ गया। इंसान के रूप में उसने जन्म लिया हम जैसे पापियों को बचाने के लिए। 33.5 साल वो इंसान के रूप में इस धरती पर रहा। उस समय उसने अपने चेले बनाए, चेलों के साथ वो हमेशा रहता था, चेलों को परमेश्वर के राज्य की बातें बताता था। चेलों के सामने उसने बहुत बड़े बड़े अद्भुत काम किए, बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार किए, क्योंकि प्रभु यीशु जहाँ जाता था वहाँ चेले उसके साथ होते थे। और प्रभु यीशु ने बहुत बड़े बड़े काम किए, हर मरीज को उसने अच्छा किया, हर अंधे की आंखें खोली, हर लंगड़े को चलने की शक्ति दी, हर मरे हुओं को भी जिंदा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पर वहाँ परमेश्वर का पुत्र था, यानी वो खुद परमेश्वर था, तो भी वो इस धरती पर हमेशा रहने के लिए नहीं आया था। वो एक मकसद के लिए धरती पर आया था। परमेश्वर ने स्वर्ग को छोड़कर वो इंसान बनकर धरती पर आया एक ही मकसद के लिए, पापी इंसान को बचाने के लिए। धरती का हर मनुष्य पाप में डूबा था, हर मनुष्य शैतान का गुलाम बन गया था, हर मनुष्य का जीवन श्रापित बन गया था और इसीलिए हर मनुष्य अपने जीवन में एक बड़ा बोझ उठाकर चल रहा था। पाप की वजह से इंसान का जीवन बीमारी, दुख, कष्ट और सारे प्रकार की परेशानियों से भरा हुआ था और पाप का सबसे भयानक नतीजा मरने के बाद मनुष्य की आत्माएं नरक में जा रही थी, जहां पर वो अनंत काल के लिए तड़पती रहती थी। परमेश्वर ने स्वर्ग को छोड़ा और इंसान बनकर धरती पर आया एक ही मकसद के लिए, पापी इंसान को बचाने के लिए, पापी इंसान को पापों से मुक्ति देने के लिए। वो खुद इंसान बनकर धरती पर आया। प्रभु यीशु ने कई बार अपने चेलों को बताया था कि उसे पकड़ा जाएगा, उसको सताया जाएगा, उसको मार दिया जाएगा, वो क्रूस पर मर जाएगा और मरने के तीसरे दिन बाद वो जिंदा हो जाएगा। हालेलुया। ये उसका एक ही मकसद था कि इंसान के पापों का बोझ वो खुद उठाए, इंसान के पापों की सजा वो खुद ले, इंसान के पापों का दंड वो खुद ले, ताकि उस पर विश्वास करने वाला हर व्यक्ति, हर आत्मा पाप के बोझ से मुक्त हो जाए, शैतान के बंधन से मुक्त हो जाए। इस एक ही मकसद से प्रभु यीशु इंसान बनकर धरती पर आया था।
वो ज्यादा दिन ज्यादा समय धरती पर नहीं रहा बल्कि 33.5 साल वो धरती पर था। उसने अपने कामों के द्वारा साबित कर दिया था कि वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है बल्कि वो स्वर्ग से उतरा है, वह परमेश्वर है, वो धरती का नहीं है बल्कि स्वर्ग का है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत अनगिनत चमत्कार करके, अनगिनत अद्भुत काम करके प्रभु यीशु ने अपने आप को दुनिया के सामने पेश किया था। उसने सबूत दिया था कि वो इंसान नहीं है, वो इंसान दिख रहा है, इंसान के रूप में पैदा हो गया है, इंसान के रूप में हम उसको देख रहे हैं, पर वो इंसान नहीं है, वो परमेश्वर है। उसने बहुत सारे सबूत देकर ये दुनिया के सामने पेश किया था और आखिर जिस मकसद के लिए वो आया था उस मकसद को उसने पूरा कर दिया। उसको पकड़ा गया, उसको सताया गया, उसका छल किया गया, उसे बहुत ताड़ना सहनी पड़ी, बहुत दुख और बहुत कष्ट उठाने पड़े। वो गुरुवार की शाम थी जब प्रभु यीशु अपने चेलों के साथ एक बगीचे में आखिरी बातचीत कर रहा था और प्रभु ने अपने चेलों को साफ कर दिया कि अभी मैं ज्यादा समय तक तुम्हारे साथ बातें नहीं कर पाऊंगा क्योंकि संसार का अधिकारी आ रहा है। तब तक चेले इस बात से अनजान थे कि आगे क्या होने जा रहा है। उन्हें प्रभु ने कई बार बताया था कि उसको दुख उठाना है, उसको मरना है, तो भी चेले इस बात को समझ नहीं पा रहे थे क्योंकि वे प्रभु यीशु के द्वारा हुए बड़े चमत्कार को देख रहे थे। कैसे प्रभु अंधे की आंखें खोलता है, कैसे मरे हो को जिंदा करता है, कैसे लंगड़े को चलने की शक्ति देता है, कैसे दुष्ट आत्मा को निकाल देता है और कैसे बड़े बड़े चमत्कार करता है, चेले देख रहे थे। इसलिए प्रभु की ये बात उनकी समझ में नहीं आ रही थी कि प्रभु उन्हें बोल रहा था मुझे पकड़ा जाएगा, मारा जाएगा, मैं मर जाऊंगा। चेले नहीं समझ पा रहे थे, पर वो आखिरी रात आ गई जब प्रभु अपने चेलों से आखिरी बातें बता रहा था और उन्हें ये बोला कि अभी मैं ज्यादा समय तक तुम्हारे साथ नहीं बातें कर पाऊंगा क्योंकि संसार का अधिकारी आ रहा है। और जैसे ही वो अपने चेलों से बोल रहा था कुछ ही समय में वहां पर सिपाही आ गए और इन सिपाहियों ने प्रभु यीशु को पकड़ा। प्रभु ने उन्हें कहा कि मैं मंदिर में खुले में प्रचार करता था, परमेश्वर के राज्य की बातें बताता था, दिन में मैं बताता था, तभी तुमने मुझे नहीं पकड़ा। अभी जैसे जिस तरह से चोर को पकड़ा जाता है वैसा तुम मुझे पकड़ने के लिए आ गए हो, पर ये तुम्हारा समय है, ये अंधकार का समय है, ये अंधकार की घड़ी है, ये शैतान को दी गई घड़ी है, इसलिए तुम मुझे पकड़ने आ गए हो। और सिपाहियों ने यीशु को पकड़ा, वो यीशु को लेकर चले गए। जब यीशु को पकड़ा गया उसके चेले डर गए और डर कर सारे भाग गए। गुरुवार की रात को उस बगीचे में सिपाहियों ने प्रभु यीशु को पकड़ा और उसे वो पकड़कर लेकर गए। उस रात से लेकर उसके दुख की शुरुआत हो गई। उसको बहुत कष्ट उठाना पड़ा, बहुत। उसके मुंह पर थूका गया, उसका बहुत बड़ा अपमान किया गया, उसको कोड़े की मार खानी पड़ी, उसके सर के ऊपर कांटों का ताज रखा गया, उसे बहुत दुख, बहुत दर्द और बहुत अपमान से गुजरना पड़ा। और उसके दूसरे दिन यानी शुक्रवार के दिन उसके कंधे के ऊपर लकड़े का बहुत भारी बोझ दिया गया। ये क्रूस का बोझ प्रभु को उठाना था और एक पहाड़ पर लेकर जाना था। ये क्रूस उठाकर प्रभु यीशु उस पहाड़ पर लेकर गया। वहां जाने के बाद जिस क्रूस को वो उठाकर लेकर गया था उसी क्रूस पर उसको लटकाया गया। उसके दोनों हाथों में से किले आर पार गए, पैरों में से किले आर पार गए और प्रभु यीशु को उस क्रूस पर लटकाया गया। प्रभु उस क्रूस पर शुक्रवार की दोपहर तड़प रहा था और क्रूस के नीचे जो लोग खड़े थे वो उसका मजाक उड़ा रहे थे। लोग बोल रहे थे, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस तरह से मर क्यों रहा है, अपने आप को बचा ले, तूने अंधे की आंखें खोली, तूने गूंगे को बोलने की शक्ति दी, यहां तक कि तूने मरे हो को भी जिंदा कर दिखाया, और क्या अभी तू अपने आप को नहीं बचा पा रहा है।
यदि तू सच में परमेश्वर का पुत्र है तो बचा कर दिखा, साबित कर कि तू परमेश्वर का पुत्र है। पर उसने किसी की नहीं सुनी, जो लोग उसकी मजाक उड़ा रहे थे, जो लोग उसे कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोल रहे थे, उनके लिए प्रभु ने क्रूस पर से प्रार्थना की। उसके पूरे शरीर में से लहू बह रहा था, पूरा शरीर वेदना और दर्द से भरा हुआ था। कितनी वेदनाएं, सर से लेकर पैर तक। उसके सर में कांटों का ताज था, जो कांटे उसके सर के अंदर जा घुसे थे और पूरे सर से खून निकल रहा था। उसके दोनों हाथों में से किले आर पार गए थे, पैरों में से किले आर पार गए थे। उसने कितनी भयानक कोड़े की मार खाई थी, पूरे शरीर से लहू निकल रहा था, वो क्रूस पर तड़प रहा था और उसने कहा मुझे पानी चाहिए। जब वो क्रूस पर तड़प रहा था उसने पानी मांगा, पर किसी ने उसको पानी नहीं दिया, एक बूंद पानी भी उसको उस क्रूस पर नहीं मिला। और ऐसी हालत में भी जो लोग क्रूस के सामने खड़े होकर उसे हंस रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे, उनके लिए उसने परमेश्वर पिता के पास प्रार्थना की और उसने ऐसे कहा, हे पिता इन्हें माफ कर दे क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। लोग बोल रहे हैं यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो नीचे उतर आ, अपने आप को साबित करके दिखा। पर प्रभु बोल रहा है, हे परमेश्वर पिता इन्हें क्षमा कर दे, इनके पाप इनके पास मत गिनना क्योंकि ये नहीं जान रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं, किसके साथ बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या इसका नतीजा हो जाएगा, ये नहीं जान रहे हैं, इन्हें क्षमा कर दे। इतने दर्द और पीड़ा में होते हुए भी प्रभु ने उनके लिए प्रार्थना की, क्रूस पर से उसने उनको क्षमा कर दिया। और इसी हालत में तड़पते तड़पते हुए उसने आखिरी वाक्य कहा, हे पिता मैं मेरे आत्मा को तेरे हाथ में सौंप देता हूं, और उसी घड़ी वो क्रूस पर मर गया। हालेलुया, हालेलुया। उसका आखिरी वाक्य था, मैं मेरे आत्मा को तेरे हाथ में सौंप देता हूं, और वो क्रूस पर मर गया। जब ही प्रभु मर गया उस घड़ी बहुत बड़े चिन्ह हो गए। बाइबिल कहती है जैसे ही उसकी जान निकल गई पूरे दुनिया में अंधकार फैल गया। वो दोपहर का समय था पर अचानक सूरज गायब हो गया और पूरे दुनिया में अंधकार फैल गया। थोड़े समय के लिए अंधकार छा गया, बहुत जगह भूमिकंप हो गए, बहुत बड़े बड़े चिन्ह प्रभु ने परमेश्वर पिता ने दिखाए जब उसका पुत्र क्रूस पर मर गया। और जिन्होंने उसके जिन दुश्मनों ने उसका ये हाल किया था उन्हें लगा अभी हमारा काम पूरा हो गया, अभी खत्म हो गया। ये जो दुनिया को फंसा रहा था और ये जिसके पीछे पूरी दुनिया जा रही थी अभी वो क्रूस पर मर गया, खत्म हो गया सब कुछ। शुक्रवार की दोपहर थी, प्रभु की लाश क्रूस पर लटकाई हुई थी, वो मर गया था और उसके दुश्मन हंसकर बोल रहे थे खत्म हो गया। पर उसने चेलों को ये भी कहा था, मुझे मारा जाएगा, मेरा छल किया जाएगा, मुझे सताया जाएगा, मैं मर जाऊंगा और मरने के तीसरे दिन बाद जिंदा हो जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिन अधिकारियों ने प्रभु यीशु का ये हाल किया था ये अपने मन में हंस रहे थे ये सोच कर कि हमारा काम पूरा हो गया, हम अपने काम में कामयाब हो गए, सफल हो गए, अभी ये खत्म हो गया। उसकी लाश को एक कब्र में रखा गया, उस कब्र के ऊपर बड़ा पत्थर रखा गया और वहां रखवाली करने के लिए कुछ लोगों को भी रखा गया क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि उसके चेले आए और उसकी लाश को यहां से चुरा कर लेके जाए। इसलिए उन्होंने ये भी देखा कि वहां किसी को हम रखवाली करने के लिए रखे और उन्होंने वहां रखवाली करने के लिए सिपाहियों को रख दिया। पर परमेश्वर का संदेश एक ऐसी बात होती है जिसे बदलने की ताकत किसी के पास नहीं होती है। हालेलुया। वो बोला था कि मैं मरने के बाद तीसरे दिन जिंदा हो जाऊंगा, तो ना आसमान में ना धरती पर ना धरती के नीचे किसी के पास वो ताकत नहीं थी जो प्रभु यीशु के शब्द को समाप्त कर सके। तीसरे दिन, जब तीसरा दिन आ गया प्रभु यीशु कब्र में जिंदा हो गया।
हालेलुया हालेलुया। वो कब्र में जिंदा हो गया, स्वर्गदूतों ने आकर उस पत्थर को हटा दिया और स्वर्गदूत उस पत्थर पर बैठा रहा। कौन बदल सकता है परमेश्वर के शब्द को? कौन बदल सकता है परमेश्वर के संदेश को? कौन बदल सकता है परमेश्वर के मुंह से निकले हुए वचन को? अंदर प्रभु यीशु कब्र में जिंदा हो गया, बाहर स्वर्गदूत ने पत्थर को हटा दिया और वो खुद पत्थर पर बैठ गया। प्रभु वहां से निकल गया और तीसरे दिन जो औरतें सुबह सुबह वहां पर देखने के लिए आई, जो प्रभु यीशु पर विश्वास करती थी और उस पर प्यार करती थी, वो उसकी लाश को बहुत अच्छा अत्तर लगाने के लिए आई थी, पर जब भी वो अंदर गई वो डर गई क्योंकि प्रभु की लाश वहां पर थी नहीं। पहले ही वो सोच रही थी कि पत्थर को हमारे लिए कौन हटाएगा, वहां पर कब्र पर इतना बड़ा पत्थर है, कौन हटाएगा हमारे लिए उस पत्थर को। पर जब ही कब्र के पास पहुंची तो उनकी नजर में आ गया पत्थर को पहले ही किसी ने हटा दिया है। अंदर जाकर देखा तो प्रभु वहां पर था नहीं, उन्हें एक स्वर्गदूत वहां पर दिखाई दिया और स्वर्गदूत ने उनको कहा, तुम किसे ढूंढ रहे हो? जो जिंदा हो गया है उसे मरे हुए में क्यों ढूंढ रहे हो? जाकर उसके चेलों को बताओ, जाकर उसके चेलों को बताओ कि तुम्हारा प्रभु जिंदा हो गया है। और ये औरतें दौड़कर गई, उन्होंने प्रभु यीशु के चेलों को बता दिया जो पहले ही डर के मारे एक कमरे में बैठे हुए थे, उनका प्रभु मर गया और अभी हमको भी मारा दिया जाएगा। इस डर के जिन्होंने अपने आप को एक कमरे में बंद कर दिया था, उनको जाकर जब ये औरतें कहने लगी प्रभु की लाश वहां पर नहीं है, वहां हमने एक स्वर्गदूत को देखा और स्वर्गदूत ने कहा कि प्रभु उठा है, जिंदा हो गया है, तभी चेले दौड़कर आकर कब्र में देखने लगे। सचमुच वहां पर लाश नहीं थी, बस प्रभु को जिस कपड़े में लपेटा था वो कपड़ा वहां पर गिरा हुआ उनको दिखाई दिया, पर प्रभु उनको दिखाई नहीं दिया। वो वापस आ गए और सोचने लगे क्या हुआ रहेगा, क्या हुआ रहेगा, क्योंकि मनुष्य का दिमाग इस बात पर भरोसा नहीं कर सकता है कि मरा हुआ व्यक्ति वापस जिंदा कैसे हो सकता है। मरा हुआ व्यक्ति यदि किसी को दिखाई देता है तो हम कहते हैं ये भूत है। मरा हुआ व्यक्ति दोबारा दिखने के बाद लोग उसे भूत कहते हैं, वो अपने शरीर में नहीं दिख सकता है, आत्मा में दिख सकता है और लोग कहते हैं कि ये भूत है। पर प्रभु के पास प्रभु का शरीर भी वहां पर नहीं था, कब्र बिल्कुल खाली थी और चेले सोचने लगे क्या हुआ होगा, कहां पर ये लोग प्रभु की लाश को लेकर गए होंगे, क्या किया होगा प्रभु की लाश के साथ। ये डरे थे, आपस में बातचीत कर रहे थे, एक दूसरे को पूछ रहे थे क्या हुआ रहेगा। दरवाजे बंद थी, खिड़कियां बंद थी और ये बंद कमरे में डर कर बातचीत कर रहे थे, सोच रहे थे, इस बात पर सोच रहे थे कि इन्होंने प्रभु की लाश का क्या किया होगा और प्रभु कहां पर होगा। ऐसी बात चल रही थी तभी उस बंद कमरे में प्रभु प्रकट हो गया। उस बंद कमरे में प्रभु प्रकट हो गया और प्रभु ने उनको कहा तुम्हें शांति मिल जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। चेले डर गए, हम क्या देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, सचमुच ये प्रभु है या हम भूत को देख रहे हैं। वो डर गए थे और तभी प्रभु ने उनको कहा नजदीक आओ, मुझे जांच करो, क्योंकि जैसे मुझे हड्डी और मांस तुम देख रहे हो वैसे भूत को नहीं रहती है। जिसे आप भूत पिशाच बोलते हैं या दुष्टात्माएं बोलते हैं वैसे उनको हड्डी और मांस नहीं रहते हैं। मेरे नजदीक आ जाओ, मुझे अच्छे से जांचो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये कितना बड़ा सबूत चेलों को पहली बार मिला था। जब ये प्रभु ने पहली बार उनको दर्शन दिया उसके बाद एक बार नहीं दो बार नहीं, बाइबल कहती है चेलों ने खुद गवाही दी है कि 40 दिन तक वो उनको जगह जगह पर दर्शन देते रहा और उसने बहुत पक्के प्रमाणों के साथ उनके सामने सबूत दिया कि अभी वो मरा हुआ नहीं है, वो जिंदा हो गया है। हालेलुया। के प्रमाण, बहुत पक्के सबूतों के साथ उसने साबित किया कि अभी वो जिंदा हो गया है। जब
पहली बार वो कब्र में गए, उन्होंने देखा कि लाश नहीं है, उन्हें ये लगा कि कोई तो इसकी लाश को चुरा कर लेके गए होंगे। पर जब बंद कमरे में प्रभु का पहला दर्शन उन्हें हो गया और प्रभु ने उनको कहा कि नजदीक आओ, मुझे जांचो, मुझे छूकर देखो, जैसा मुझे हड्डी है मांस है वैसा भूत को नहीं होता है, आकर मुझे जांचो, तब उनको कितना बड़ा सबूत मिल गया। बाद में प्रभु ने उनके साथ बहुत सी बातें की, वो दिखना बंद हो गया। कुछ समय के बाद एक चेला जो उस समय वहां पर था नहीं, थोमा, वो आ गया और चेलों ने उसको कहा, हमने प्रभु को देखा, प्रभु सचमुच जिंदा हो गया है, वो यहाँ पर आया था, उसने हमसे बातें की, उसने हमको कहा कि मुझे छूकर देखो, हमने देखा प्रभु को, हमने छुआ प्रभु को, सचमुच प्रभु जिंदा हो गया है। चेले उसको बता रहे थे पर थोमा बोल रहा है, मैं विश्वास नहीं करूँगा, ये कैसे हो सकता है कि मरा हुआ आदमी दोबारा अपने शरीर में जिंदा हो जाता है, ये कैसे हो सकता है, मैं भरोसा नहीं करूंगा जब तक कि मैं उसके हाथ में जहां पर कीले मारे गए थे उसमें अपनी उंगली न डालूं और उसका पंजर जिसमें भाला डाल दिया था उसमें अपना हाथ न डालूं, तब तक मैं भरोसा नहीं करूंगा, मैं विश्वास नहीं करूंगा, क्योंकि प्रभु के हाथ में कीले का छेद था, प्रभु के पंजर में बड़ा छेद था क्योंकि उसमें भाला डाल दिया गया था। ये बोल रहा है, जब तक मैं उसमें अपना हाथ नहीं डालूंगा, जब तक मैं अपने हाथ से उसे नहीं जांचूंगा, मैं भरोसा नहीं करूंगा। और जब थोमा बोल रहा था, प्रभु दोबारा प्रकट हो गया और प्रभु ने प्रकट होने के बाद कहा, थोमा नजदीक आ जा, मेरे हाथ में अपनी उंगली डाल, मेरे पंजर में अपना हाथ डाल और अच्छे से जांच कर, विश्वास न करने वाला मत बन बल्कि विश्वास करने वाला बन जा। हालेलुया, हालेलुया, कितना पक्का सबूत, कितना बड़ा सबूत। थोमा गया प्रभु के नजदीक, उसने हाथ को देखा, उसने अपनी उंगली डाली, उसने हाथ डालकर उसके पंजर को जांचा और थोमा कहता है, मेरा प्रभु, मेरा स्वामी तो सचमुच जिंदा हो गया है, सचमुच जिंदा हो गया है। कितने बड़े सबूत, कितने बड़े प्रमाण प्रभु ने दिए कि वो जिंदा हो गया है। प्रभु समुन्दर के किनारे पर था और चेले मछुए में थे, वो मछली पकड़ने के लिए गए थे और भोर का समय था, अंधेरा था और उन्होंने अंधेरे में देखा कि समुन्दर के किनारे कोई तो खड़ा हो गया है, समुन्दर के किनारे कोई तो आकर खड़ा हो गया है, ये दूर से देख रहे थे। और नजदीक जाने के बाद उन्होंने समझ लिया कि और कोई नहीं है, ये प्रभु है। तो भी उनके मन में शक था, ये सचमुच प्रभु होगा या और कोई भूत दुष्टात्मा होगी। ये अपने नाव से नीचे उतरे, प्रभु को देख रहे दूर से और मन में शक ले रहे हैं, सचमुच प्रभु होगा या हम भूत को देख रहे हैं। तब प्रभु ने उनको कहा, तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है? उन्होंने कहा, है, मछली है। प्रभु ने कहा, दे दो, मैं उसको खाकर दिखाता हूं कि मैं सचमुच जिंदा हूं या नहीं हूं। हालेलुया। और उनके सामने उसने मछली खाकर दिखाया कि वो सचमुच जिंदा हो गया है। इसलिए वचन कहता है कि उसने बहुत पक्के प्रमाणों के साथ साबित कर दिया, के प्रमाण, बहुत पक्के सबूत उनको दे दिए। इसलिए चेले बाद में जब यीशु का प्रचार करने लगे तभी उन्होंने खुद कहा कि हमने खुद उसको देखा, हमने खुद उसको छुआ, हमने खुद उसको जांचा और हमने खुद उसका अनुभव किया है, वो मनुष्य नहीं है, वो परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, वो मनुष्य नहीं है, वो जीवन है, हमने उस जीवन को छुआ है, हमने उस जीवन को जांच लिया है, हमने उस जीवन की बातें सुन ली है। जब तक प्रभु यीशु मसीह इंसान के रूप में धरती पर था और चेलों के साथ बातें कर रहा था तब तक उन्हें कोई विशेष नहीं लग रहा था, पर बाद में मरने के बाद जिंदा होने के बाद 40 दिन तक चेलों ने जो भी अनुभव किया बहुत बड़ा अनुभव था।
बहुत अजीब अनुभव था, दुनिया का ऐसा इकलौता गुरु जो मरने के बाद दोबारा जिंदा हो गया और अपने चेलों के पास मिलने के लिए आ गया। दुनिया में शिक्षक बहुत है, सिखाने वाले बहुत है, गुरु बहुत है जो अपने चेलों को सिखाते हैं, जो अपने चेलों को अच्छी राह दिखाते हैं, पर वे कब तक सिखाते हैं? जब तक वे अपने शरीर में जिंदा होते हैं तब तक, जब ही वो मर जाते हैं उसके बाद कहाँ जाते हैं कोई नहीं जानता है। प्रभु यीशु मसीह दुनिया का ऐसा इकलौता गुरु है जो इंसान के रूप में था तभी उसने चेलों को सिखाया, मरने के बाद वो अपने शरीर में और आत्मा में जिंदा हो गया, दोबारा चेलों के पास आ गया और मृत्यु से जी उठने के बाद 40 दिन तक वो अपने चेलों को परमेश्वर के राज्य की बातें सिखाता रहा। मरने के बाद दुनिया का कौन सा गुरु है आप जाकर ढूंढो, बहुत ढूंढो। दुनिया का बड़ा इतिहास है, सारे इतिहास की खोज करो। दुनिया में ऐसा कौन सा गुरु होकर गया है जो मरने के बाद दोबारा उठा और अपने चेलों को सिखाया? कोई नहीं, एक ही गुरु जो मरने के बाद जिंदा हुआ, चेलों के पास आ गया, 40 दिन तक उनके साथ बातें करते रहा, उनको सिखाते रहा, क्योंकि वो मानवी गुरु नहीं था, वो परमेश्वर था। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो इंसान को बचाने के लिए, इंसान को पापों से मुक्ति देने के लिए क्रूस पर मरा था। उसका मरना ये मरना नहीं था बल्कि मृत्यु को सहना था। जैसे कि हम बीमारी को सहते हैं, कोई ऐसा नहीं बोलते हैं कि इसने मृत्यु को सहा। मृत्यु को सहा कैसे बोलेंगे, क्योंकि इंसान मर जाता है दोबारा उठता नहीं है। यदि आप किसी बीमारी से बाहर आते हैं तभी आप बोलते हैं मैंने इस बीमारी को सह लिया था। जब आप किसी परेशानी से बाहर आते हैं तभी आप बोलते हैं मैं इस परेशानी से गुजरा, मैं इस परेशानी से गुजरी, मैंने इस परेशानी को सह लिया। पर मृत्यु के बारे में कोई नहीं बोलता है कि इसने मृत्यु को सह लिया, क्योंकि मरने के बाद दोबारा कोई उठता नहीं और इस धरती पर वापस आता नहीं। पर प्रभु यीशु अकेला था जो मरा नहीं बल्कि उसने मृत्यु को सहा। वो मर नहीं सकता था, उसका शरीर और उसकी आत्मा मौत के अधीन नहीं रह सकती थी, क्योंकि वो मनुष्य नहीं था बल्कि वो परमेश्वर था। हालेलुया। वो क्रूस पर इसीलिए मरा, उसने क्रूस पर मृत्यु को इसीलिए सह लिया कि हम जो पापी इंसान पाप की वजह से मर जाते हैं हमें उस मौत के श्राप से मुक्ति दे। वो हमारे लिए इसीलिए मरा कि हम पाप की वजह से मर जाएंगे पर वो हमें मौत के श्राप से छुड़ाएगा, ताकि उस पर विश्वास करने वाला मरने के बाद जिंदा हो जाएगा और अनंत काल परमेश्वर के साथ स्वर्ग में रहेगा। मौत के श्राप से छुड़ाने के लिए, हम पापी इंसान को मौत के श्राप से बचाने के लिए, मौत के श्राप से मुक्ति देने के लिए प्रभु यीशु ने क्रूस पर मौत को सह लिया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रकाशित वाक्य में प्रभु यीशु ने यूहन्ना को कहा, देखो मैं मर गया था पर मैं युगानुयुग जीवित हूँ। मैं मर गया था, वो क्रूस पर मरा था पर अभी वो मरा हुआ नहीं है, वो जिंदा प्रभु है, वो जीवित प्रभु है। वो तब जीवित था, आज जीवित है, कल जीवित रहेगा और युगानुयुग जीवित रहेगा। हालेलुया। 40 दिन उसने बहुत बड़े सबूत दिए, बहुत बड़ा प्रमाण देकर चेलों के सामने दिखाया कि वो सचमुच जिंदा हो गया है, वो सचमुच जीवित है, अभी वो मरे हुए हालत में नहीं है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज 2000 साल बाद भी प्रभु यीशु सबूत दे रहा है। क्या सबूत दे रहा है? अभी वो मरा हुआ प्रभु नहीं है बल्कि वो जिंदा प्रभु है। वो काम कर रहा है, वो चमत्कार कर रहा है, उस पर विश्वास करने वाले हर एक को वो पापों की क्षमा दे रहा है, हर एक की बीमारियों को निकाल रहा है, परेशानियों को निकाल रहा है। जो सबूत वो दे रहा है उस सबूतों से हमें जानना चाहिए कि वो मरा हुआ प्रभु नहीं है बल्कि वो जिंदा प्रभु है। वो जिंदा हो गया था, आज भी जिंदा है। और बाइबिल कहती है जो प्रभु जिंदा हो गया है
वो दोबारा नहीं मरेगा, वो अभी दोबारा नहीं मरेगा, बल्कि वो युगानुयुग जिंदा रहेगा। चेलों ने 40 दिन उसका अनुभव किया, उसके बाद से वो आसमान में चला गया और पवित्र आत्मा के रूप में वो धरती पर वापस आ गया। तब से लेकर आज तक वो पूरे धरती पर पवित्र आत्मा के रूप में काम कर रहा है और दुनिया उसको दोबारा देखेगी एक बड़े राजा के रूप में, एक बादशाह के रूप में। दुनिया उसको दोबारा देखेगी क्योंकि उसने खुद कहा है वो आसमान में, आसमान के बादलों पर सवार होकर दोबारा दुनिया में आ जाएगा इंसाफ के लिए। वो दिन बहुत नज़दीक आया है, वो दिन बहुत नज़दीक आ गया है जब प्रभु यीशु आसमान के बादलों पर सवार होकर धरती पर आने जा रहा है और तब पूरी दुनिया उसे देख लेगी। उस पर विश्वास करने वाले भी देखेंगे और उस पर विश्वास न करने वाले भी उसको देख लेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको किसी इंसान की कहानी नहीं बता रही हूँ, मैं आपको किसी गुरु या बाबा की कहानी नहीं बता रही हूँ, मैं आपको किसी डॉक्टर या वैज्ञानिक की कहानी नहीं बता रही हूँ, मैं आपको ऐसे एक व्यक्ति की कहानी बता रही हूँ जो दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है, जिसका नाम दुनिया में सबसे ऊँचा नाम है और उस नाम से और दूसरा कोई भी नाम ऊँचा नाम नहीं है। हालेलुया। ये ऐसा एक नाम है जो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ नाम है, यीशु मसीह दुनिया का ऐसा एक नाम है जो सबसे ऊंचा नाम है, और जितने इस नाम पर विश्वास करेंगे वो मुक्ति पाएंगे, उन्हें पापों से मुक्ति मिल जाएंगी, वो शैतान के बंधन से मुक्त हो जाएंगे, उनके जीवन के श्राप निकल जाएंगे और उनके लिए स्वर्ग का दरवाजा खोला जाएगा, उनके नाम स्वर्ग के जीवन की किताब में लिखे जाएंगे। ये दुनिया का सर्वश्रेष्ठ नाम है, ये दुनिया का ऐसा नाम है जो सबसे ऊंचा नाम है, उस नाम पर विश्वास करने वाले कभी लज्जित नहीं हो जाएंगे, उन्हें कभी अपमानित होना नहीं पड़ेगा, वे कभी फजित नहीं हो जाएंगे, बल्कि जैसा वो हमेशा के लिए जिंदा है वैसे उस पर विश्वास करने वाले भी हमेशा के लिए जिंदा रह जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु पर विश्वास करो, वो आपके पापों के लिए, मेरे पापों के लिए और दुनिया के हर मनुष्य के पापों के लिए उसने क्रूस पर बलिदान किया है। वो हमारे लिए मरा, हमारे लिए जिंदा हो गया, उसने हमारे पापों को लिया है। उस पर विश्वास करो, उसका हाथ पकड़कर चलते रहो। दुनिया दिन ही दिन अंधकार में डूबती जा रही है, शैतान के काम बढ़ते जा रहे हैं, शैतान मनुष्य को फंसा रहा है, पापों में गिरा रहा है, क्योंकि शैतान चाहता है दुनिया का अंत होने के बाद उसे जिस नरक में डाला जाएगा उस नरक में मनुष्य भी उसके साथ आए। वो दुष्ट शैतान और उसके सारे दूत, जिन्हें हम दुष्ट आत्माएं कहते हैं, भूत कहते हैं, वे यही चाहते हैं कि हम जिंदगी भर पाप में जीते रहे, ताकि मरने के बाद हम नरक में जाएंगे, अनंत काल तक वहां तड़पते रहेंगे। पर मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, वो आप पर इतना प्यार करता है कि आपको बचाने के लिए वो इंसान बनकर धरती पर आया, उसने आपके पापों के लिए क्रूस पर बलिदान किया है, उसने आपके पापों के लिए लहू बहाया है। उस दुष्ट शैतान के हाथ से दुख उठाने की जरूरत नहीं है, उस दुष्ट शैतान के हाथ में रहकर रोने की जरूरत नहीं है और ना ही अपने आत्मा का विनाश करवाने की जरूरत है। प्रभु यीशु पर विश्वास करो, उसने आपके पापों का बोझ उठाया है, उसने आपके पापों की सजा ली है, उस पर विश्वास करो, पापों का पश्चाताप करो, तो क्या हो जाएगा, प्रभु यीशु के लहू में आपकी आत्मा को धोया जाएगा, प्रभु यीशु के लहू में आपकी आत्मा को साफ किया जाएगा, हमारे आत्मा के ऊपर जो भयानक पाप के दाग है उसे निकालने की ताकत बाकी किसी में नहीं है, सिर्फ प्रभु यीशु के लहू में है जो उसने हमारे लिए क्रूस पर बहाया है।
आत्मा के दाग बस प्रभु यीशु का लहू निकाल सकता है। इसलिए उस पर विश्वास करो ताकि उसके लहू में आपकी आत्मा धर्मी बन जाएगी, शुद्ध बन जाएगी। आप शैतान के हाथ से मुक्ति पाओगे, आपका नाम स्वर्ग के जीवन की किताब में लिखा जाएगा, ताकि धरती का जीवन खत्म होने के बाद आप स्वर्ग में पहुंचेंगे और अनंत काल परमेश्वर के साथ रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु जिंदा है, वो कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और युगानुयुग जिंदा रहेगा। उस पर भरोसा करो, ये दुनिया का सबसे बड़ा नाम है। उस पर विश्वास करने वाला कभी लज्जित नहीं होगा। मैं आपको किसी मनुष्य पर विश्वास करने के लिए नहीं सिखा रही हूँ, परमेश्वर पर विश्वास करने के लिए सिखा रही हूँ। वही हमारा प्रभु है, वही हमारा मुक्तिदाता है, क्योंकि हमारी मुक्ति के लिए उसने क्रूस पर बलिदान किया है। उस पर विश्वास करो ताकि आपका जीवन रोशनी से भर जाएगा और ये जीवन खत्म होने के बाद आप अनंत जीवन में प्रवेश करोगे। हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा, एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है, और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए यीशु के नाम से। प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्टात्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ्य आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ्य आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ्य आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।